बी का मतलब बॉम्बे, बी वो बॉम्बे। हाँ, तो तब बहुत रिलीफ हुआ कि चलो जिस चीज पे मुझे करने में इतना मजा आता है अब चांस ले सकते हैं। इस बीच में क्या परिवर्तन, मुझे तो कोई खास मतलब टाइप हो जिससे मैं मिल रहा हूँ, मुझे व्यक्तिगत तौर पे कभी कोई जिसको सो कॉल्ड शिकायत कहते हैं ऐसा नहीं दिखता है। लोगों ने मुझे कहा कि आप थोड़े से थोड़ा सा एरोगेंस आ गया है हमें, थोड़ा ये आ गया है कि मैं हूँ आ गया हूँ। अच्छा, तो ये भी कई लोगों ने मुझे कहा कि आप मिले नहीं है इधर क्या, नहीं अभी नहीं मुलाकात हुई लेकिन नहीं नहीं वो थोड़ा सा वो पहले जैसे जो आमतौर पर एक हिंदी समाज में, हिंदी समाज में पूरे में कह रहा हूँ, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी समाज मतलब अपना जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ पर वो पहले जैसा नहीं रहा। नहीं नहीं, हाँ देखिए मैं ऐसा है कि मैं फिर शूट कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि मैं कितने दिन बाद मैं भूल गया था कि आईफोन में क्या क्या कर सकते, अब पता चला कि बस 7 महीने फोन पे नहीं था, बस कोई फोन नहीं था। तो फिर लोग शायद मुझे मैसेज करते होंगे, उनको लगता होगा कि रिप्लाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये भी है क्योंकि कौन फोन यूज करता, तो वो लगता है रिप्लाई नहीं दे रहा, जो भी है। तो फिर लोग अपने अपनी धारणा बनाना शुरू कर देते। लेकिन मैं भी बीच में बहुत चेंज होना चाहता था यार, तभी तो मुझे लगा कि मैं स्टार बन गया, लेकिन मैं चेंज ही नहीं हो पाता, ये मेरी प्रॉब्लम है। स्टार होने के लिए क्या किया आपने वैसे? स्टार बहुत कोशिश की लेकिन मैं बहुत फेल हो गया, मैंने कहा ऐसे ही रहता है, देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक अगर आप अच्छा, मैंने ये देखा कि ये होता है आप बाकी सारी चीजें ना करें, अपना काम अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो आपको काम मिलता रहेगा और आपको किसी की टेंशन कभी नहीं होगी, ना पैसे की कभी टेंशन होगी, ना अप्रिसिएशन के लैक की टेंशन होगी, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, अपना काम अगर लोग ढंग से करते रहे तो। हाँ, ये सारी चीज मैंने जैसे बोला ना, ये तो लोग को धारणा बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और एक ही तरीके की धारणा हो तो फिर बोरिंग हो जाएगी, तो फिर अलग अलग बनाने में अच्छा लगता है। तो मैं जब टीवी करता था तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे मुंह पे हंसे थे कि फिल्म करोगे मेरे मुंह पे, मैंने टीवी छोड़ दिया तो सब बोल रहे पागल है पागल है पागल है। पेपर में भी बात आ गई कि इसको देखो इतने लोग ट्राई कर गए अब ये बनेगा हीरो, आईज और मेरे पास कटिंग रखी हुई है। तो इसके बाद पिक्चर मिल गई तो अभिषेक कपूर की, तो लोगों ने बोला अच्छा एकता ने दिलाई, एकता का भाई है इसलिए पिक्चर बनी। तो लोग एक्सप्लेन करना चाहते ना कि यार ऐसे कैसे, तो भाई है। फिर एक आर्टिकल आया था कि लड़का अच्छा नाचता है तो पिक्चर मिल गई, फिर देखा नाचा ही नहीं, दूसरी पिक्चर में भी नहीं नाचा, तो बोलते हैं कि यार ये बंदा ये ऐसी रोल कर सकता है, मतलब अहमदाबाद का लड़का, जोधपुर का लड़का, इसमें हीरो वाली बात नहीं, मतलब जो सूट वोट में निकले वो वाली बात है। तो लोग हमेशा इधर से उधर अपना डिफाइन करते हैं कि ये बंदा ऊपर क्यों गया। हाँ, उसका उसकी वजह खोजना चाहते हैं लोग, आंसर खुद ही तलाश रहे होते हैं और शायद वो एक्सप्लेन करते रहते हैं। अभी यही चीज अगर मैं बाद से 2 साल पहले फोन बंद कर देता तो कोई बोलता कौन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आज मैंने फोन बंद कर दिया काम करने के लिए तो अच्छा फोन बंद कर दिया, या फोन किया तो उठाया नहीं तो अच्छा फोन नहीं उठाया, तो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली उस चीज के लिए सच में अगर 2-3 बार मैं किसी को मैसेज करूंगा और उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा यार अच्छा बड़ा हो गया। तो मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है, मतलब अगर मैं बहुत अपने किसी क्लोज इंसान से भी बात करता हूँ, मैं अंकिता से पूछता हूँ, अंकिता अपनी मॉम से हर दिन कुछ 4-5 बार तो मेरे सामने बात करती है और 15-15 मिनट बात करती है, और मैं सच में बहुत इंक्विजिटिव हो गया, मैंने ये एक आध महीने पहले पूछा यार इतना कैसे बात कर लेते हो, क्या करते हो, मैं भी करना चाहता हूँ, आई हैव नो कंप्लेंट, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बात करते हो, क्योंकि मैं अपने डैड से बात करता हूँ, अपनी बहन से बात करता हूँ, हाँ दी मैं ऐसा हूँ और पिछले एक हफ्ते में सोचिए एक हफ्ते से मैंने बात नहीं किया, पिछले एक हफ्ते में ये हुआ, आप कैसे हैं, जीजा जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, अच्छा और भी एक दो बात कर ली, सर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, नोटिस किया है 5 मिनट के ऊपर नहीं होता। तो मैं फोन से मतलब मेरा बिल्कुल भी इससे साथ नहीं होता। उसके उसके लिए एक बहुत पुरानी कहावत है
कि एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। तो मुझसे किसी ने पूछा कि प्रेमी प्रेमिका घंटों कैसे बातें करते रहते हैं, क्या आखिर कुछ तो होता होगा ना। तो उनका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं। जिस दिन वो दुनिया के बारे में बात करेंगे ना, उस दिन 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। सो ट्रू। तो ये जितने लोग जो ज्यादा बात करते हैं ना, उनके बातचीत में आप जाएंगे तो ज्यादा, मैं गॉसिप नहीं कह रहा हूँ किसी के भी, वो गॉसिप कर रहे होते हैं, लेकिन वो गॉसिप नुमा ही होता है कि तेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रही होती है और वो एक उसका दायरा बदलता रहता है, कभी घर में होता है, कभी दोस्तों के साथ होता है, कभी सीनियर जूनियर्स के साथ होता है, कभी होता है। और ये मैंने देखा जितने आप सॉर्टेड रहते हैं ना, उतने आप कम बात करते हैं, फिर आप गुड लिसनर हो जाते हो। बिल्कुल, बहुत इसने सोक्रेट्स को बोला था, किसने बोला कि if you know nothing you say a lot, if you know something what's there to say। आप कुछ बोल ही नहीं सकते, मेरा दिमाग है कि और एक चीज आपने कार्ल मार्क्स बताया, तो ये मेरे वॉलपेपर पे, मैंने घर पे एक बहुत बड़ा वो लगाया, उसमें कोई कोई थॉट्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको मैं फॉलो करता हूँ, पहले अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। ये मैंने पोस्टर बनवाया इसका, दिखाता हूँ तो अच्छा लगेगा। कितनी शांति है इधर, ऐसे होता नहीं कभी। वो आया था कि मिल नहीं रहा मुझे वो फोटो, सोक्रेट्स का था। हाँ ये क्या बात है। हाँ कितनी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल वही वही बात है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती कोई अपनी जिंदगी में कर सकता है तो अपने एक्शंस उस तरीके से करे, ये दिमाग में टेंशन में टेंशन रख के कि लोगों को खुश करना है, क्योंकि मैंने देखा लोग कभी खुश होते नहीं है। और आप परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो अपना जो एक पैशन आपने ढूंढ के निकाला है उसको जितना अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप जो कर सकते हैं वो करिए, अल्टीमेटली लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप उनसे मिले हैं, ये प्रिटेंस में कितनी देर तक रख सकता हूँ कि यार मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप इतने एक्सपीरियंस्ड, आपको समझ में आ जाएगा यार अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर हम अभी नहीं मिलते तो ब्योमकेश के टाइम पर मिल लेते, फिर आपको समझ में आ जाता। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को समझ में आने में कि नहीं कुछ नहीं हुआ या जो भी है, उस चीज़ के लिए मैं प्रिटेंस एक्टिंग करता रहूँ लोगों के सामने, नहीं हुआ है वो कभी, किया भी नहीं, अच्छा भी नहीं उसमें, ये भी होता कि अच्छा होगा वो कर लेता, तो वो भी नहीं है। लेकिन कितना मजा आ रहा है, एक और लेता सर, बड़ा अच्छा आप ले, कितना मजा आ रहा है सर, बहुत सब करते हुए, ये सब जीते हुए और काम करते हुए ना, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी लाइफ लोग सबको दे भगवान, कि जिस चीज में मजा आता है उस चीज से आप, वो अपनी लाइफ में आपका जॉब है। मैं अपने आप को इतना शाबाशी देता हूँ इस बात के लिए कि आई स्टूड फॉर माई डिसीजन।